क्या आप भी प्रेग्नेंट हैं और आप रात को सोते समय या सोने से पहले ये सब मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पहल एंड मॉम। आई एम संगीता एंड आई एम मॉमी ऑफ 1 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल। सो मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है बहुत ज़्यादा पानी पीना या बहुत ज़्यादा लिक्विड का इनटेक करना। सो रात को सोने से पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है या बहुत ज़्यादा लिक्विड का इंटेक नहीं करना है। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमें बार बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा और उससे हमारी नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए और हमारे बेबी डेवलपमेंट के लिए। सो अगर हम बार बार वॉशरूम के लिए उठेंगे सो हमारी नींद डिस्टर्ब होगी, हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वन है स्लीपिंग पोजिशन। स्लीपिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन आपको लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए जितना हो सके। सो लेफ्ट साइड सोने से हमारे बेबी को ऑक्सीजन फ्लो अच्छी मात्रा में जाता है और जिससे बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेट नहीं सोना है, हमें राइट भी कम सोना है। बट ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात एक ही साइड सोओगे, आप डेफिनेटली साइड को चेंज करोगे। तो मेक श्योर कि आप किसी साइड पे सोएं, आप स्ट्रेट ना सोएं और मोस्टली ट्राई करें कि आप लेफ्ट साइड में ही सोएं। अगर आप स्ट्रेट सोएंगे तो आफ्टर डिलीवरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बैक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अवॉइड स्लीपिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट वन इज स्पाइसी फूड। सो आपको स्पाइसी फूड वैसे भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लेने चाहिए, और अगर आपको लेने भी हैं कभी कभार आपको क्रेविंग्स होती हैं या आपको कोई खाने ऐसी चीज़ खाने का मन करता है तो आपको डिनर में ये चीज़ें इंटेक नहीं करनी है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज आप खाना खाओगे और आप लेट जाओगे तो वो फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आप स्पाइसी फूड रात को डिनर में ना लें। स्पाइसी फूड लेने से आपको हार्ट बर्न हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको स्टमक एक हो सकता है। सो इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, इसलिए अवॉइड करें कि आप स्पाइसी फूड ना लें। नेक्स्ट वन है लेट डिनर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको लेट डिनर नहीं करना है। मेक श्योर कि आप सोने से 2 घंटे पहले डिनर कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप 10 बजे सोते हो तो आप 8 बजे तक डिनर कर लीजिए, आप 9 बजे सोते हो तो आप 7 बजे तक डिनर कर लीजिए। डिनर करने के बाद आप 1 घंटे के लिए वॉक करें, बहुत स्लो वॉक करें, बहुत फास्ट वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वॉक कर सकते हो धीरे धीरे और उसके बाद आप सो सकते हो, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका जो फूड है वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कर्ड इनटेक। सो हमें जो है रात को दही नहीं खाना है। दही को खाने का सही टाइम होता है ब्रेकफास्ट और लंच। आपको अगर दही खाना है या आपको कोई भी खट्टी चीज़ें खानी है तो आप मॉर्निंग और आफ्टरनून में ले सकते हैं। आप अवॉइड करें कि आप इवनिंग में और नाइट टाइम में कोई भी खट्टी चीज़ें ना लें, कर्ड ना लें, जिससे कि आपका गला ख़राब हो सकता है और आपको कोल्ड हो सकता है, आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। सो अवॉइड करें कि नाइट में आप कुछ इस टाइप की खट्टी चीज़ें इनटेक ना करें। नेक्स्ट वन है टी एंड कॉफ़ी। सो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो टी या कॉफ़ी लेने के बाद ही सोते हैं, उनको काफ़ी टाइम से वो लोग इसी टाइप का रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। सो अगर आपको ये आदत है भी तो प्लीज़ आप प्रेगनेंसी में इस आदत को छोड़ दें, बिकॉज चाय या कॉफ़ी में काफ़ी मात्रा में कैफीन होता है और कैफीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। कैफीन इनटेक करने से हमारा बीपी भी हाई हो जाता है कई बार और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो मेक श्योर कि आप रात को टी और कॉफ़ी लेके ना सोएं। और नेक्स्ट है चॉकलेट इनटेक। आपको क्रेविंग्स होती हैं तो आप चॉकलेट लेते हो, सो मेक श्योर कि आप रात को चॉकलेट ना खाएं। आपको खानी भी है तो आप दिन में खा सकते हो, और बहुत ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट का इनटेक ना करें, बहुत कम मात्रा में चॉकलेट का इनटेक करें। नेक्स्ट है यूज़ पिलोज वाइल स्लीपिंग। सो जब भी आप सोते हैं तो आप पिलोज यूज़ कर सकते हो अपनी लेग्स को रेस्ट करने के लिए, अपनी बेली को रेस्ट करने के लिए। कुछ प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं जिन आप उनको भी यूज़ कर सकते हो अपनी बेली को रेस्ट करने के लिए या अपने बैक को सपोर्ट देने के लिए। सो मेक श्योर आप पिलोज लें और अपनी बैक को सपोर्ट दें, अपनी बेली को सपोर्ट दें, जिससे कि आपको सोने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होगा, और कम्फर्टेबल फील होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। सो नींद अच्छी आने से आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ रहेगी, आपको दिन भर टायर्ड फील नहीं होगा, स्लीपी फील नहीं होगा, आपका एनर्जी लेवल काफ़ी अप रहेगा थ्रू आउट द डे। सो ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। सो अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।